व्हाट्सअप गाइस, जिसे राज मंडाविया एंड यू आर वाचिंग फिटनेस। तो आज बात करने वाले कि कैसे आप अपनी मसल सोरनेस होती है उसे घटा सकते हो। मतलब मसल सोरनेस मतलब जब आप वर्कआउट करने के बाद जब आपका मसल दुखता है उसे कहते हैं मसल सोरनेस। तो उसके बारे में पूरा खबर बात करेंगे कि कैसे आप उसे घटा सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना, आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि मसल सोरनेस नाम की बला है क्या। जब आप वर्कआउट करते हो तब आपके मसल में माइक्रो टेयर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे टेयर्स होते हैं आपके मसल में। अब जब आप घर जाते हो उसके बाद आप डाइट लेते हो उसके बाद वो रिकवर होता है। तो रिकवर होने की प्रोसेस में आपकी वहां पर इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है। वर्कआउट करते हो और आपकी जो मसल फटती है तब उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, उनके मसल दुख रहे। अब जब उनके मसल दुख रहे उनको मज़ा नहीं आ रहा और वो जिम छोड़ देते। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका मसल दुख रहा है मतलब वो ग्रो हो रहा है। ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपका मसल दुख रहा है तो ग्रो होएगा ही। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर परफेक्ट डाइट नहीं दे रहे हो, आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हो, तो आपका मसल कभी भी ग्रो नहीं होने वाला है। तो कैलोरी सरप्लस और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो मैटर करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे मसल सोरनेस के बारे में। तो मसल सोरनेस होती है उसे घटा कैसे सकते हो, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन आप कम कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका रहेगा वो रहेगा कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग को इंक्लूड करो। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अगर आज उनका चेस्ट का वर्कआउट है तो वो लोग क्या करेंगे कि जाके सीधा 10-10 किलो की बेंच मारने लगेंगे, 20-20 किलो की बेंच मारने लगेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले वार्म अप लेना है, अपने शोल्डर को वार्म अप करना है, अपने जो एल्बो होती है उसे वार्म अप करना है, अपनी रिस्ट को वार्म करना है, अपनी चेस्ट को वार्म करना है। वो कैसे पुशअप मार सकते हो आप, फिर उसके बाद डंबल से आप ऐसे रोटेशन कर सकते हो, वो काफ़ी सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि वार्म अप फॉर चेस्ट और वार्म अप फॉर बैक और फुल बॉडी वार्म अप। आप फुल बॉडी वार्म अप अगर इंक्लूड कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स सारे के सारे वार्म हो जाएंगे और इसकी वजह से आपकी जो इंजरी के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। और आपको वर्कआउट खत्म होने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। आपने मान लीजिए चेस्ट की वर्कआउट किए तो आपको उसके भी काफ़ी सारे स्ट्रेच आते हैं। मतलब हमने 90 डिग्री अपना हाथ है वो दीवार पर लगा दिया और काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रेचेज आती है, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और आपको काफ़ी स्ट्रेचेज मिल जाएंगे। तो आप वो कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी और आपकी जो मसल सोरनेस है वो भी कम होगी। अब जो दूसरा सबसे मेन फैक्टर है वो आता है हमारा स्लीप। आपको 7-8 घंटा एक डीप स्लीप लेनी है। आपकी जो रिकवरी होती है, आपके जो हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, वो सारी की सारी रात में होगी। अगर आपकी जो मसल है वो आपने तोड़ी और उसके बाद रिकवर नहीं किया तो आपको वो बहुत ज़्यादा दुखने वाली, मतलब आपका मसल सोर होगा। तो मसल सोरनेस को दूर करने के लिए आपको अच्छी खासी स्लीप लेनी पड़ेगी, 7-8 घंटे तक। हाँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं 2 बजे के आसपास सोता हूँ और 9 बजे तक उठ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे 7 घंटे की स्लीप हो चुकी है और वो भी एक डिसेंट अमाउंट हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल रिकवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारी जो मसल सोरनेस है वो भी हमारी कम होगी। तीसरा जो मेन फैक्टर आता है वो आता है डिसेंट प्रोटीन इन। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कूड़ा खाते हैं, मतलब कूड़ा तो मतलब लिटरली कूड़ा तो नहीं खाते, मतलब पूरे दिन जंक फूड वगैरह खाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लीन फूड खाना है, उसमें आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है। प्रोटीन क्या करेगा, आपकी मसल है उसको रिपेयर करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो मसल सोरनेस है वो कम होगी। तो सारा कुछ इंटर रिलेटेड। आपको अपनी प्रोटीन की अमाउंट ठीक ठाक रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, आप अगर जिम जाते हो तो आपका अगर वेट है 60 kg, तब आपको क्या करना है कि आपको 120 से 130 ग्राम तक आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है, मतलब आपके वेट से डबल। अगर आप 60 kg के हो तो आपको 120 से 130 ग्राम, अगर आप 80 kg के बंदे हो तो आपको 150 से 160 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक डिसेंट विंडो हो जाएगी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो मसल है वो आसानी से रिकवर हो जाएगी। अब चौथा जो हमारा वे है अपनी मसल सोरनेस को कम करने का, वो है हमारा टेक अ कोल्ड शावर पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट मतलब वर्कआउट खत्म करने के बाद आपको कोल्ड शावर लेना है, जिसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेमेशन बनी है मसल में वो कोल्ड शावर की वजह से कम हो जाएगी और आपकी मसल सोरनेस भी उसी की वजह से कम हो जाएगी। अब जो हमारा पांचवा फैक्टर आता है, जो बहुत ही ज़्यादा कम लोग, मैं भी कभी कभार नहीं कर पाता, तो बहुत ही कम लोग करते हैं कि आपको 2 से 4 वीक में एक बार फुल बॉडी मसाज ले लेना है। वो कोई भी कर सकता है, आपका दोस्त भी कर सकता है, आपकी मम्मी भी कर सकती है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, और आप किसी से करवा भी सकते हो। तो एक फुल बॉडी मसाज 2 से 4 वीक में आपको एक बार ले लेना है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स है वो मतलब रिलैक्स हो जाएंगी और उनमें इन्फ्लेमेशन कम होगी और आपकी जो मसल बिल्डिंग है
वो खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती ही रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना, आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो गाइस, आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हो, इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर शेयर करते हो, तो मैं आपको एक शाउट आउट दूंगा अपने चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को जरूर से अपनी स्टोरीज में शेयर करें और मुझे टैग करना ना भूल। अगर आपने टैग नहीं किया तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आपको शाउट आउट नहीं दे पाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको अमेज़न से कुछ भी ऑर्डर करना है तो नीचे एक अमेज़न की लिंक दी हुई है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। उसकी वजह से इस चैनल को सपोर्ट होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।